सर आपने जब कंप्यूटर ज्वाइन किया तो आपने क्या अचीवमेंट्स किया, किन चीजों को ज्यादा फोकस किया है वहां पर? वहां हमने तीन चार मामलात पे ज्यादा तवज्जो दी है। पहले और सबसे अहम मामला, ब्राजील, जापान, जर्मनी और हिंदुस्तान ने एक अजमगटा बनाकर एक कोशिश कर रहे हैं कि सलामती काउंसिल में इजाफा हो, उनको भी मुस्तकिल किया जाए। बहुत पावरफुल हैं, इनके पास बड़े रकूमात हैं और दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर बड़ा जोर डाला जा रहा है। हमने इसके मुकाबले में मेक्सिको, कोस्टारिका, जनूबी अमेरिका से, कनाडा, शुमाली अमेरिका से और स्पेन और इटली यूरोप से, अफ्रीका से इजिप्ट और अल्जीरिया, और मशरकी एशिया से कोरिया, और ऐसे मुख्तलिफ मुल्कों को जमा करके हमने एक मुकाबले के लिए तैयारी की। असूली तौर पर हम कहते हैं सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मेंबर बढ़ाए न जाए बल्कि घटाए जाए, किया जाए तो इसको 15 से 27 मेंबर तक ले जाए। हमने 27 इलाकाई तंजीमों का इजाद किया है कि रोटेशन के जरिए उन्हीं इलाकों में एक एक सीट निकले, 27 सीट होनी चाहिए और इन्हें चलाना चाहिए सारा सिलसिला। यह है जमहूरियत का तकाजा, हमने जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया है। हमारी अब भी 28-29 तारीख एडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन के साथ मीटिंग है, और तीसरी से लेकर 5 तक हमारी मीटिंग रोम में है, वजारत खारजा के लेवल पे, यानी वजीर खारजा के लेवल पे। अब ये तो हमारी एक अहम शिरकत है। दूसरी चीज है कि हमने दो बड़ी फतेह हासिल की, जो शाह अब्दुल्ला ने जमा किया इब्राहिमी मजहबों की मुख्तलिफ नुमाइंदों को न्यूयॉर्क में, उसमें करारदाद जो मंजूर हुई वो पाकिस्तान की थी, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि पिछले साल से हमने इजाज़त दिया था कि हम मगरब और अमेरिका के साथ मिलके, जो हमारे प्यारे नबी और रसूल, हमारे रसूल पर और हमारे मजहब पे जो तोहमतें लगती हैं उनको रोकने के लिए, तो पिछले साल अमेरिका और मगरब हमारे साथ थी और 105 वोट मिले थे। इस साल वो हमसे हट गए और उन्होंने खुल के मुखालफत की, और हमारे लिए इज्जत का मामला था कि हम ये जीत सके। हम उस पर 85 वोट लेके जीत गए, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा हमने कश्मीर का मामला सलामती काउंसिल में 4 मुख्तलिफ औकात पर उठाकर, उस पर तफसीलात भी आपके अखबारों में आती रही। काफी अरसे के लिए ये मामला सर्द कमरे में था मुशर्रफ साहब की हुकूमत में 10 साल, तो इस पे हमने बड़ी मेहनत के साथ जदोजहद की, और इसके नतायज इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी के तहत वाजे होंगे। इसके अलावा जबकि सारी दुनिया में पाकिस्तान का ग्राफ गिर गया था बीवी के कत्ल के बाद, तो शहादत के बाद हमें दुनिया को दिखाना, और फिर हमारे माली हालात, फेल्ड स्टेट, तोहमतें, कई ऐसी बातें हम पर लग रही थी और पूरी दुनिया हमें अजीब नजरों से देख रही थी कि ये डूबने वाले हैं तो हम क्या करें, और बंटवारे की बात हो रही थी और क्या क्या बातें हो रही थी। अमेरिका 8वीं के हथियारों की परेशानी है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो गए। तो पहले तो हमारे मेहनतों से दोस्तान पाकिस्तान का सिलसिला जारी हुआ। अब लोग कहते हैं पैसे क्यों नहीं दिए उन्होंने, भाई उस वक्त जब वो जमा हुए न्यूयॉर्क में और सारी दुनिया की ताकतें हमारे साथ 30-35 बैठी हुई थी, तो पूरी दुनिया ने देख के कहा वाह ये लोग तो नहीं डूब रहे, ये तो नहीं मर रहे, इनके दोस्त देखें कौन है, आप अपने दोस्त से पहचाने जा रहे थे। तो हमने एक ग्राफ गिरने से रोका और आहिस्ता चढ़ाना शुरू किया, जिसके नतीजे में आज IMF ने उसको देख के कहा भाई ये तो ताकतवर है, इनके अभी ये $5 बिलियन का आ रहा है वक्त,
दे दो इनको कर्जा कि ये वर्ल्ड बैंक को वापस दे सकें. और उसके अलावा चीन, सऊदी अरब, अमारतें, ईरान, सब ने आपको बड़ी बड़ी मददें की हैं. बहुत सी बातें तफसील से नहीं की जा सकती टेलीविजन प्रोग्राम्स पर, लेकिन आप क्यों अब तक जारी चल रहे हैं? जब डॉलर गिरा उस वक्त लोगों ने कहा पता नहीं कहां चले जाएगा, रुका हुआ है, तो यानी कि कुछ कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग हुई है. अब इन तमाम बातों के अलावा हमें उन बातों पे भी काफी कामयाबी रही. कामयाबी के कई तरीके हैं. हमने कई करारदादें पेश की हैं, कई कमिटियों पे कई करारदादें हम कामयाब होकर आए हैं वापस. हम मजीद और भी तरीके अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वो जो पहला तरीका था कि हम हर चीज में कूद पड़ते थे, वो हम नहीं कर सकते. हमें अपने हालात और अपनी इज्जत अपने आप रखनी पड़ेगी. हिंदुस्तान से कई अहम मुकाबले हुए हैं. अफगानिस्तान के मसले पे सलामती काउंसिल गई थी, तो वहां इतने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए कि अगर वो रिकॉर्ड रिपोर्ट अडॉप्ट हो जाती मेरे ख्याल है आपके लिए बड़ी मुसीबतें शुरू होते. अल्लाह के फजलो करम से वो रिपोर्टें, वो उस रिपोर्ट में से पाकिस्तान की तमाम तर जिक्र निकाल दिया गया, रद्द किया गया, और आज वो रिपोर्ट हमारे खिलाफ फर्जी नहीं करती. वहां के ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स इतने हैं कि मैं आपको बता सकता हूं तो पूरी रात चल जाएगी. लेकिन मैंने हुकूमत पाकिस्तान में सदर साहब को, वजीर आजम साहब को, वजीर खारजा साहब को, तीनों को तफसीली हमने अपनी 3 महीने की कार्रवाई में, सिर्फ 3 महीने हुए जाकर, लिहाजा वहां हमने इस किस्म की कई हरकतें की और हिंदुस्तान को रोका हर मोड़ पर. एक वाकया मैं आपको बता दूं, बड़ी अहमियत का बायस है. जनरल असेंबली में गांधी की दिन मनाया जा रहा था, और उसमें हर साल हमें पाकिस्तान बैशिंग भी हो जाती है काफी बड़े पैमाने पर. तो वो शुरू थे कि गांधी साहब अमन का गहवारा थे, अमन अमन और गांधी. मैंने खड़े होकर पाकिस्तान की तरफ से तकरीर की. मैंने भी गांधी साहब की मुख्तलिफ बातों को बहुत सराहा, क्योंकि अगर वो उस वक्त अपना अटल वो बैठ नहीं जाते तो हो सकता है पाकिस्तान के कई हकूक उस वक्त उन्हें नहीं फराहम होते. लेकिन उसके अलावा मैंने उनकी भी तारीफ की. मैंने कहा अब आइए कि सबसे अहम बात जो उनसे मुंसलिक की जाती है वो है अमन. अमन की तरबियत कहाँ से उन्हें हासिल हुई, मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ. मैंने कहा देखिए, हमारे खित्ते ज़मीन सिंध की तहजीब कई हजार साल पुरानी है, और हिंदू इंडिया सिंधु सिंध से मुंसलिक है, वहां से उभरता है. और हिंदुस्तान का सबसे अहम सूबा सिंध था, जिसके मुख्तलिफ औकात पे जिक्र महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में भी है, लेकिन सबसे अहम उसका जिक्र है उपनिषद और वेदाओं में. उपनिषद और वेदाओं में जबकि हिंदू का एक जिक्र है, इंडिया का कोई जिक्र नहीं है कि ये एक छोटी सी कबीला था बिहार में. इन्होंने ये बात तय की कि सिंधु पे और सिंध पे 34 जिक्र है उपनिषद और वेदाओं में जी. और सबसे अहम जिक्र है कि जब शिवा की बीवी सती का इंतकाल होता है तो वो हिंदुस्तान के, अब उस वक्त तो हिंदुस्तान नहीं था, जनूबी एशिया के 4 कोनों पे वो निशानदेही करता है. और पहली निशान वो करता है सिंध की सरजमीन हिंगलाज पर, जहां सती की पेशानी जिस पे संदूर है वो गिराया जाता है सिंध की सरजमीन पर. इतनी अहमियत का बायस रही है. और मैंने कहा कि ये अहमियत क्यों है कि उससे कई हजार सालों के लिए उस वक्त से 3 बड़ी ताकतें दुनिया में मंजूर की जाती थी, मिस्र, बाबुल, सिंध. मिस्र और बाबुल की बादशाहतें थी, सिंध में अवामी हुकूमत थी. मिस्र और बाबुल के लोगों ने, बाबुल ने यहूदियों को फतेह किया, मिस्र ने नूबियंस को फतेह किया, और शुमाली अफ्रीका दोनों ने तलवार से, जोर से, कत्लो गारत से,
मुसीबतों से तशद्दुद से फतेह करके बादशाहते कायम की। सिंध में ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिंध के हड़पन दौर में कोई औजार जंगी या कोई जंगी सामान नहीं फराहम होता है, और यहां तक कि जानवर के गले काटने के लिए चाकू नहीं है वहां। सही। लेकिन कई हजार साल ये आबादी आती रही, और यहां ना कोई जंग थी ना कोई नफरतें थी। अमन सिंध से तरतीब की गई, अमन सिंध ने दुनिया को सिखाया, अमन रविंद्रनाथ टैगोर के वंदे मातरम में सिंध के नाम रखने में मजबूर करते हैं आपको। हिंदुस्तान की तहजीब, गांधी की तहजीब, सब चीज की तहजीब अमन सिंध के अमन से। अमन दुनिया को सिंध ने सिखाया, इसलिए मैंने उनसे कहा अक़वामे मुत्तहिदा में कि ये हमारी खित्ते ज़मीन की हिंदुस्तान की नहीं। आपको अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब तवाजी तमाम घड़ी मेहरबानी असें प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में कही आया। नाज़रीन गडियल कॉमन में पाकिस्तान के नुमाइंदे अब्दुल्ला हुसैन हारून जो तुम गालू बुधियं तमाम दिलचस्प इंटरेस्टिंग जानींदड़ गालू हुई। पांजे मेज़बान रऊफ चांडर के इंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त दींदा। अल्लाह वाई। We'll be right back.